हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष जोशी। तो कैसे हो आप सभी लोग? मेरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं? लास्ट वीडियो मैंने डाला था क्रॉफर्ड मार्केट का, जो कि हमने गणपति का डेकोरेशन का सामान खरीदा था। तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि मैं ये वीडियो में डेकोरेशन दिखाने वाला हूँ आपको मेरे गणपति का। और मैंने जो सामान लिया था क्रॉफर्ड मार्केट से, उसमें से लाइट्स भी लिए थे, एक RGB एंड एक गोल्डन लिया था। तो RGB लाइट मैंने लगा दिया है एंड, लेकिन थोड़ा रूम पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि गणपति का तैयारी कर रहे हैं जोर शोरों से, तो पूरा घर बिखरा हुआ है। तो आप ये देखो, अभी लाइट बंद करता हूँ, मैंने इस पर लगा दिया है एंड इसका रिमोट से मैं मिक्स कर देता हूँ इसका। ये देखो मस्त एकदम, और ये फेड, कितना सही लग रहा है। और ये इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, बट ऑफ में थोड़ा डिम हो जाता है, अच्छा है लेकिन मुझे पसंद है। तो हमारे घर पे बहुत सारा काम भी हुआ है फर्नीचर के रिलेटेड। तो पहले आप क्लिप देखो, वो जो फर्नीचर का काम हो रहा था। तो ये है वो सेक्शन जो कि ऐसा एक टेबल जैसा बनाया गया था, तो इसमें लूवर्स मार के हमने पूरा कैबिनेट बना दिया। एंड ये लेफ्ट आउट प्लाय है पूरा, एंड ये शेल्फ बनाया है प्रिंटर के लिए, एंड ये हेलमेट रखने के लिए एक रैक बनाया है, और हॉल में भी है। तो हॉल में चल के दिखाता हूँ। तो ये हॉल है और ये पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि हम गणपति का डेकोरेशन कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो, लास्ट वीडियो में हमने बेल्स लिया था तो उसमें हमने ये तार ऐड कर दिया है ताकि उसको हैंग कर सके। एंड ये मैं फ्रेम बना रहा हूँ और वो और लकड़ी रखा हुआ है। एंड जो मैं लाइट लाया था क्रॉफर्ड मार्केट से, इसमें लगा चुका हूँ। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी एक फर्नीचर का काम हुआ है, इसमें ड्रॉवर बनाया हमने। एंड ये पहले ओपन हुआ करता था, अभी हमने इसको क्लोज कर दिया है तो ये अच्छा दिख रहा है। तो अभी डेकोरेशन का काम चालू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो कैमरा लगा देता हूँ मैं ट्राइपॉड पे और आप डेकोरेशन देखो। तो हम आ चुके हैं नीचे, ज़मीन पर बैठ चुके हैं, और ये लकड़ी मैं मेरे साइड पर से लेके आया था जो कि शटरिंग में यूज़ होता है, तो उसे कट कर लिया मैंने पट्टी को। और ये तो लेफ्ट ओवर था जो घर में काम हुआ, तो उससे फ्रेम बना दिया। अभी बाकी का मैं अभी काम शुरू करूँगा। अभी हमें ये पट्टी को काटना है ताकि इसका पूरा फ्रेम बना सके। तो मेजरमेंट ले लेता हूँ और कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा लगभग 75% हो गया है। बस नीचे से ऐसा क्रॉस में और ऐसे क्रॉस में सपोर्ट मारना है, फिर हमारा जो स्केलेटन है वो रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको ही डेकोरेट करेंगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। साइड हो जाए, इनको दिखा दूँ मैं। पीछे से स्मॉल रहेगा और आगे से आके वाइड हो जाएगा। तो ये बैक साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड ऊपर का साइड हम लीव्स से कवर कर देंगे क्रिसक्रॉस पैटर्न में। तो हम करते हैं और आप वापस देखो टाइम लैप्स। मैंने इधर हल्का सा कट मारा है, अब मैं इधर से सपोर्ट दूंगा और मेरी बहन इस पे चढ़ेगी तो टूट जाएगा इधर से। ये देखो हम यहाँ हल्का सा कट मार रहे हैं और मेरी बहन इस पे खड़े होके इसे तोड़ेगी। तोड़ तोड़ तोड़, तोड़। इधर से तोड़, रुक। ये आगे को कर दे।
ऐसे तो आधा प्लाई टूट गया यार। चल इसको अच्छे से थोड़ा काटने दे, फिर वापस चढ़ना। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है? ये हो गया एक खिल्ला और इधर मारेंगे हमारा दूसरा खिल्ला। अरे बराबर है 48, 2 फीट की बात। अपने को ये इतना वाइड नहीं रखना था ये वाला एरिया। डन, 100% डन। अभी इसे टेबल पे रखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो सब सामान हटाओ। स्केलेटन रखते हुए तो हम बस अभी जो स्केलेटन है उसको कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम ऐसा लीव्स लपेटेंगे, तो वही कर रहे हैं हम। और आप देखते जाओ। शक्ल देखो कैसी हो गई है, पूरा ऑयली ऑयली और पूरा पसीना। मैंने एसी चालू किया है फिर भी पूरा फेस पसीना पसीना हो गया है। एंड डेकोरेशन थोड़ा बहुत किया है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना कि अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ है अभी, पूरा कंप्लीट नहीं है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 20-25%। इसको अभी बहुत करना है डेकोरेशन, एंड में बहुत सुंदर दिखेगा। एंड मेरे को गर्मी हो रही थी तो मैं सोचा ठंडा पानी पीते जाके, और हमारे घर का फ्रिज 3 दिन से ख़राब है, तो हम आज गए थे फ्रिज लेने के लिए। तो आप वो क्लिप देखो। तो वो फ्रिज लेने के बाद हम आ गए थे घर पे, एंड घर का छोटा मोटा काम किया गणपति के रिलेटेड। देन हमें एक जगह से इनविटेशन आया था फॉर नामकरण था एक बेबी का, तो हम उसमें गए थे। तो आप वो वाला क्लिप देख के आओ, तब तक मैं डेकोरेशन कंप्लीट करता हूँ। तो आपने देख लिया पार्टी का सीन, और मैं तो अभी बहुत थक गया हूँ। सुबह के 4 बज रहे और ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गया है। अब बस जो फाइनल डेकोरेशन करना है वो गणपति पप्पा जिस दिन आएंगे उस दिन थोड़ा सा करेंगे, देन गणपति पप्पा का आगमन हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे फाइनल टचअप। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी डेकोरेट किया है। अभी आपको कैसा लगा रेट करना मेरे को आउट ऑफ 10। तो ये देखो, आप बताना कैसा लग रहा है। अभी इधर टेबल क्लॉथ आएगा पूरा, वो फिर अच्छे से लगे, वो अच्छा दिखेगा। फिर ग्रास डाल देंगे हम इस पर। देन बैकग्राउंड का तो हम सोच नहीं रहे क्योंकि यही इतना हो गया है, तो बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। एंड लाइटिंग कैसा लग रहा है आप बता देना, और गणपति बप्पा आएंगे तो उस पर भी लाइटिंग होएगा। एंड मैंने ये वाला लाइट भी लगाया है जो फोकस मारता है, चालू करके दिखाता हूँ। तो ये वाला लाइट मैंने चालू कर दिया है, और आप ये देखो अभी साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है, पीछे मस्त लाइट आ रहा है। अब ये टेबल को पीछे खिसकाएंगे एंड बाकी और बाद में डेकोरेट करेंगे।
पहले ही बोल रहा हूँ, चेहरे में मत जाना, पूरा पसीना और ऑयली हो चुका है। एंड डेकोरेशन जो करना था अभी फिलहाल कर चुका हूँ, बाकी गणपति आने पे करूँगा, जो कि रहेगा मंडे को, जिसका वीडियो आएगा ट्यूसडे को। एंड अभी 4 बज चुके हैं सुबह के, एक्चुअली 4:15 हो गए। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आज भी साइट पे हमारे पूजा है, तो वो मैं शूट करूँगा एंड वो संडे को डालूँगा, जो कि रहेगा कल। तो आपको वीडियो कैसा लगा और ये डेकोरेशन कैसा लगा, मेरे को 10 रेट करना। बुरा भी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव कर लूँगा, नहीं तो फिर बताओ कमेंट करके कैसा लगा। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन कीप वॉचिंग आयुष जोशी। पीस आउट।